दिस इज़ ए डुप्लेक्स हाउस प्लान डिज़ाइन, 4 बेडरूम का हाउस प्लान डिज़ाइन, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पर जो पार्ट है, यहाँ पर देखिए कि UND ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पर और इधर रहेगा फर्स्ट फ्लोर हाउस डिज़ाइन। देखिए इसके अंदर, इधर से हम घर के अंदर आएंगे, उसके बाद यहाँ पर डाइनिंग, यहाँ पर किचन, यहाँ पर पूजा रूम, यहाँ पर 2 टॉयलेट, एक घर के अंदर एक स्टेयर के पास, यहाँ पर किचन, यहाँ पर 2 बेडरूम पीछे में, ठीक है। सेम ही ऊपर रहेगा, तो इसके अंदर हम इसका जो मेज़रमेंट है यहाँ पर ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर 23 फीट और यहाँ पर 40 फीट 8 इंच, और यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर हमने रखा है इसका फर्नीचर। तो उसके बाद इसका जो मेज़रमेंट, यहाँ पर देखिए 12 फीट, यहाँ पर 11 फीट, यहाँ पर 12 फीट बाई 11 फीट, उसके बाद देखिए यहाँ पर मेज़रमेंट 11 फीट बाई 12 फीट। तो बेडरूम यहाँ पर ऐसे 2 बेडरूम, सेम बेडरूम इधर ही रहेगा, 11 फीट 11 फीट, इधर 12 फीट, इधर भी 12 फीट, इधर आएगा देखिए 6 फीट 7 इंच, यार 7 फीट 6 इंच, यहाँ पर टॉयलेट, यहाँ पर 7 फीट 6 इंच, यहाँ पर 5 फीट, ओके। इधर देखिए इधर 4 फीट, नेक्स्ट इधर आएगा आपका 3 फीट 6 इंच, 7 फीट 6 इंच स्टेयर एरिया। उसके बाद इधर नेक्स्ट इधर आएगा देखिए जो वेटिंग रूम, यहाँ पर फॉन्ट में छोटा सा 8 फीट बाई 8 फीट 7। उसके बाद इसके अंदर देखिए हम यहाँ पर जो डाइनिंग एरिया 10 फीट 7 इंच बाई 14 फीट 5 इंच, सेम मेज़रमेंट इधर ही रहेगा, इधर जो गैप है देखिए इधर ऐसे रहेगा। किचन एरिया यहाँ पर ऐसे और इधर ऐसे। तो टेक्स्ट यहाँ पर हम ऐड करेंगे टॉयलेट एंड बाथरूम इधर, ओके। और यहाँ पर जो है ओनली फॉर टॉयलेट, तो यहाँ पर DINING डाइनिंग एरिया, और यहाँ पर वेटिंग एरिया, यहाँ पर स्टोर या स्टडी रूम भी आप कर सकते हैं, ऊपर में आप पूजा रूम यूज़ कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 फीट 5 इंच बाई 8 फीट का, यहाँ पर एक आप स्टडी STUDY स्टडी रूम यहाँ पर आप प्रोवाइड कीजिए, ओके ऐसे। नेक्स्ट ये जो पार्ट है इसको इधर आप ऐड कर सकते हैं, तो ऐसे ओके। यहाँ पर इधर भी रहेगा, यहाँ पर तो यहाँ पर आपको हो सके तो आप इसको आउट करके एक सिंगल रूम यहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिए ऐसे, तो ओपन रूम हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपको लिविंग एरिया मिल जाएगा फ्रंट में, ठीक है ऐसे। तो इसका मेज़रमेंट यहाँ पर 8 फीट बाई 14 फीट 5 इंच, यहाँ पर 10 फीट 7 इंच बाई 14 फीट 5 इंच यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ऐसे करके मिल जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर जो है इसका देखिए कॉलम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है ऐसे। तो ऐसे हम कॉलम यहाँ पर यूज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए इस कॉलम को हम कॉपी करेंगे, इधर से कॉपी करके हम एक एक पार्ट यहाँ पर कॉलम का रखेंगे, जो मैंने थोड़ा सा इसको इंक्रीज किया है इतना इधर रखेगा ऐसे ऐसे, और यहाँ पर ऐसे सेम इधर ही रहेगा कॉलम पोजीशन। तो इसका टोटल देखिए ऐसे रहेगा, तो 23 बाई 41 ही रहेगा यहाँ पर, तो हम 23 × 41 टोटल 943 स्क्वायर फीट, इसका टोटल जो कॉस्ट आएगा 1500 रुपीज़, 14,14,000 रुपीज़ यहाँ पर आपको खर्चा आएगा। इसका जो आउटसाइड वॉल इनसाइड वॉल हम यहाँ पर देखिए दिखाएंगे आपको, 5 इंच वॉल, यहाँ पर भी 5 इंच वॉल, सॉरी यहाँ पर आएगा देखिए 5 इंच वॉल। कॉलम साइज़
10x12 का कॉलम रहेगा, यहाँ पर इंटरनल वॉल जो है 5 इंच वॉल, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो यही था प्लान और डिज़ाइन। आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।